और सर कितना उत्साह देखने को मिल रहा है, कितना जोश युवाओं में है। भगवान श्री राम के मंदिर के फैसले के बाद और कोरोना की वजह से जो युवाओं में और आम व्यक्ति में जो उत्साह था, आज वो आप देख रहे हैं कि रामनवमी के इस अवसर पर कितनी बड़ी संख्या के अंदर पूरा समाज यहाँ पर इकट्ठा हुआ है और जोश के ऊपर झांकियों के रूप में निकाला जा रहा है। और आज ये उत्साह निश्चित रूप से हर व्यक्ति को एक उत्साहित करने वाला और माहौल है। तो ये भगवान श्री राम जो हमारे आगे दे रहे हैं और भगवान श्री राम का जो भव्य अयोध्या मंदिर बनने जा रहा है उसका ये जोश और जश्न है वो आज यहाँ पर आप देखने को मिलेगा। राजस्थान के करौली में एक रैली पर पत्थर बरसाए गए, यहाँ फूल बरसाए गए, वो अपने में कितना बढ़िया लग रहा है। ऐसा है कि राजस्थान के अंदर जहाँ तक सरकार का सवाल है, राजस्थान की सरकार तुष्टिकरण की नीति करना चाहती है, वो वोट बैंक की राजनीति करना चाहती है, एक विशेष वर्ग को खुश करने के प्रयास के अंदर कैसे कैसे निर्णय ले रही है वहाँ उनके और दूसरी तरफ पर दूसरे समाज जो आज रामनवमी के अवसर पर जोश निकाल रहे उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, कौन सा गीत गाना है, कौन सा गीत चलेगा डीजे पे, इसके लिए अनुमति मांगी जा रही है। मुझे ये पूछना है कि हिंदुस्तान में रहने वाले व्यक्ति या पाकिस्तान में जाकर परमिशन मांगे, आज ये स्थिति बनी है तो ये राजस्थान की पुष्टिकरण के लिए दिया, लेकिन समाज नहीं चाहता। आज आपने देखा होगा यहाँ पर मुस्लिम समाज के लोगों ने भी यहाँ पर इस रामनवमी के अवसर पर पूरे जुलूस का स्वागत किया, फूलों से स्वागत किया है। वहीं पर ये लोग जो है राजनीति के चंद लोग हैं वो कांग्रेस के लोग, जिनका असली चेहरा आज़ादी के बाद में जो था वो अब देखने को मिल रहा है और ये पुष्टिकरण की नीति करके और समाजों को बांटने का प्रयास अशोक गहलोत और राहुल गांधी और उनकी पूरी कांग्रेस है वो इसी के अंदर लगी हुई है कि पुष्टिकरण की नीति को अपना कर समाजों को किस तरह से बांटा जाए। यूथ जो है वो बहुत उत्साहित दिख रहा है, भगवानमय हो रखा है, इसको लेकर क्या कहना है? आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर उत्साह है, जोश है। आज भगवान श्री राम का जो आज ये रामनवमी मनाई जा रही है इसको लेकर पूरे देश के अंदर उत्साह पूरा भगवान में हो रखा है। आज जो हमारे केसरिया माना है राजस्थान ज्ञान और मान शान है उस पदरी को लेकर आप देखिए पूरे जोश के अंदर सभी के अंदर हमारी बहनें हैं,